गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पेज नंबर 41 एंड द टॉपिक इज सीविंग। सीविंग मतलब छानना। प्रीवियस क्लास में हमने तीन मेथड्स पढ़े थे सेपरेशन के। फर्स्ट था हैंड पिकिंग, मतलब हाथों से दो सब्सटेंसेस को अलग करना। थ्रेशिंग मतलब जैसे वीट और या पैडी स्टॉक्स को ग्रेन्स के से अलग करना, उसमें थ्रेशिंग है, हाथों से भी करते हैं और मशीन से भी की जाती है। देन थर्ड मेथड हमने पढ़ा था विनोइंग। विनोइंग मतलब ऊंचाई पर खड़े होकर के, जैसे गेहूं वगैरह है उसको हम हवा में नीचे डालते हैं तो जो हैवी ग्रेन्स होते हैं वो एक साइड में बैठ जाते हैं और जो छिलके या लकड़ी वगैरह होती है वो हल्की होती है और दूर जा कर के गिर जाती है। आज हम पढ़ेंगे सीविंग। You must have seen your mother removing the impurities and bran from flour that may be present in it before kneading the dough. आपने अपने घर में अपनी मम्मी को impurities, अशुद्धियाँ दूर करते हुए देखा होगा। आटा छानती हैं वो, है ना? मतलब आटा गूंदने से पहले क्या करती हैं, गूंदने से पहले उस आटे को एक चलनी में छानती हैं जिससे कि उसका जो छिलका होता है वो सब अलग हो जाता है। टू रिमूव सच इम्प्योरिटीज़ वी यूज अ सीव एंड दस प्रोसेस इज कॉल्ड सीविंग। इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम एक सीव का यूज़ करते हैं। सीव मतलब ये इस तरह से एक चलनी का यूज़ करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीविंग। In sieving, the fine flour particles are passed through the holes of the sieve, leaving the bigger impurities in the sieve itself. इस तरह जब हम छानने की कोशिश करते हैं तो आटे के जो बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो तो इस चलनी में से नीचे की तरफ आ जाते हैं और जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि उसके छिलके छिलके या कोई स्टॉक्स वगैरह अगर उसमें रह जाता है तो वो सब छलनी के अंदर ही रह जाते हैं। द सेम प्रोसेस ऑफ सीविंग इज इवन यूज इन फ्लावर मिल्स बिफोर ग्राइंडिंग द फ्लावर। इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। जब आटे की मिल के अंदर सेम यही प्रोसेस किया जाता है, जब गेहूं को पीसा जाता है उसके अंदर से जो हस्क या स्टोन्स वगैरह होते हैं उनको पहले रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद इनको फ्लावर मिल के अंदर जो आटा चक्की होती है उसमें छान कर पीस करके छान लिया जाता है। अ बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव मच बिगर इन साइज। मतलब गेहूं की पूरी एक बोरी को क्या करते हैं, एक चलनी के अंदर डाल दिया जाता है। इट रिमूव पीसेज ऑफ स्टोन्स स्टॉक्स एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद वीट आफ्टर विनोइंग एंड थ्रेशिंग। मतलब विनोइंग और थ्रेशिंग करने के बाद भी जो गेहूं होता है उसके अंदर से सारी अशुद्धियां नहीं जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ नहीं जाती हैं, उसके लिए उसके पूरे एक बैग गेहूं को क्या करते हैं, स्लैंटिंग मतलब तिरछी चलनियों के अंदर डाल देते हैं तो उसके अंदर से जो कंकर पत्थर होते हैं, लकड़ी की डंडियां होती हैं या छिलके होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। और ये काम कब करते हैं, विनोइंग और थ्रेशिंग के बाद में। द प्रोसेस ऑफ सीविंग इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम फ्लावर बट द सेम इज़ यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट एज वेल टू फिल्टर आउट सैंड बाय सेपरेटिंग पेबल्स एंड स्टोन। अब ये जो सीविंग का प्रोसेस है ये सिर्फ आटा छानने के लिए ही या हमारे घर के किचन के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट पर भी होता है। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहाँ पर मकान बन रहे होते हैं वहाँ पर सैंड को, रेत को छानने के लिए, रेत के अंदर से जो मोटे मोटे पत्थर और पेबल्स होते हैं उनको हटाने के लिए भी सीविंग का यूज़ या ये इसी सीविंग मेथड को यूज़ किया जाता है। नाउ टेक अ सीव एक्टिविटी है, टेक अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर एंड सीव इट टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट। एक सीव लेंगे और उसके अंदर से आटा को हम थोड़ा सा आटा लेके उसमें छानेंगे।
नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेज एंड मिक्स इट विद द फ्लावर. अब उसके अंदर अब क्या करेंगे, हम चॉक लेंगे, चॉक का बिल्कुल बारीक पाउडर बना करके और इस आटे के अंदर हम मिक्स कर देंगे. ट्राई टू सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम फ्लावर. अब इस चॉक पाउडर को आटे में से हम अलग करने की कोशिश करेंगे. यू विल ऑब्जर्व दैट द टू कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बिकॉज द मेथड सीविंग इज यूजफुल व्हेन डिफरेंटली साइज कंपोनेंट्स आर टू बी सेपरेटेड इन द मिक्सचर. अब हम इस आटे को और चॉक को अलग करने की कोशिश करेंगे सीविंग से, तो वो नहीं होगा. अगर हम इसको छलनी से छानेंगे तो वो दोनों ही नीचे आ जाएगा. तो ऐसे सब्सटेंस जिनका साइज सेम हो, ठीक है, जिनका साइज सेम हो, आकार में जो सेम हो, ऐसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम सीविंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं. सीविंग का यूज़ कहाँ होगा, जहाँ पर एक कंपोनेंट साइज में बिगर होगा और दूसरा छोटा होगा. अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डीकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. सेडिमेंटेशन ये आपने फिफ्थ क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है. कैन वी यूज़ हैंड पिकिंग और सीविंग टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ नियरली सेम साइज फ्रॉम अ मिक्सचर. क्या हम एक ही साइज के कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं सबका साइज सेम है, उनको हम हैंड पिकिंग या सीविंग से उनको अलग कर सकते हैं. For example, lighter impurities like dust or soil particles are usually present in rice or pulses. Then how will these impurities be removed from rice or pulses before cooking? मतलब आपने देखा होगा कि चावल के अंदर और pulses दालों के अंदर हमेशा कुछ पार्टिकल्स, मिट्टी के और डस्ट के पार्टिकल्स उसके अंदर पड़े हुए रहते हैं, जिनको हमें साफ़ करने की ज़रूरत होती है खाना पकाने से पहले. तो हम इनको कैसे अलग करते हैं, हम है ना, जनरली हम क्या करते हैं, जो उसके अंदर जो दाल के अंदर या चावल के अंदर जो कंकर पत्थर होते हैं उनको हम पहले, मम्मी क्या करती है, हाथों से उनको अलग कर लेती है. अब जो फाइन डस्ट या जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, हम जनरली राइस और पल्सेस आर थोरोली वॉश बिफोर कुकिंग. जो चावल और दाल होते हैं पकाने से पहले उनको पानी से अच्छी तरह से धो लिया जाता है. इट इज़ डन फॉर अ रीज़न बिकॉज व्हेन यू एड वाटर टू देम द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट एंड सैंड पार्टिकल्स गेट वॉश्ड एंड गो इन टू वाटर. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि खाना पकाने से पहले जब हम इसको धोते हैं तो उसकी वजह से क्या आता है, ये जो इम्प्योरिटीज़ है वो पानी के साथ में निकल जाते हैं उसके अंदर से और बह जाते हैं. यू विल सी दैट डस्ट पार्टिकल्स गेट सेटल टू द बॉटम ऑफ द वेसल एंड आर टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर. जब हम इसके अंदर पानी डालते हैं, दाल के अंदर या चावल के अंदर पानी डालते हैं, तो जो उसके अंदर की जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स इन मिक्सचर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. तो वो प्रोसेस जिसके अंदर जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मिक्सचर के, वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, उसको प्रोसेस को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ फॉलोड बाय डीकंटेशन. अब इस सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के बाद में क्या आता है, डीकंटेशन. ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है, इन विच वाटर अलोंग विद द डस्ट इज ऑल्सो रिमूव्ड. The process of sedimentation and decantation can also be used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. Sedimentation और decantation को हम कब use करते हैं, जब दो liquids का mixture है और उसको उनको हमें separate करना है. That do not mix with each other. ऐसे mixture जो एक दूसरे से mix नहीं हो पा रहे हैं. For example, the mixture of oil or kerosene. किसका मिक्सचर ले रखा है हमने, ऑयल और केरोसिन एंड वाटर. ठीक है, या तो
हम किसी भी कोई भी खाने वाला तेल लेंगे, अगर वो तेल नहीं ले रहे हैं तो कोई केरोसिन ऑयल ले लेंगे हम, और उसको पानी के साथ में मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने पर क्या होगा, चाहे वो केरोसिन हो या कोई वेजिटेबल ऑयल हो, वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, ऑयल फॉर्म्स अ सेपरेट स्क्रीन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए हम इस बर्तन को छोड़ देंगे तो ऊपर ऊपर क्या है, तेल तैरता हुआ नज़र आएगा। डीकंटेशन इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर। अब हम इस तरह से थोड़ा सा उस बर्तन को टिल्ट करके क्या करेंगे, इसमें से ऑयल को सेपरेट कर लेंगे और वाटर अपने आप सेपरेट हो जाएगा। डीकंटेशन कैन बी ट्राइड टू सेपरेट ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड बट इट हेल्प्स ओनली टू सम एक्सटेंट। डीकंटेशन को हम सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम टी विद द यूज़ ऑफ स्ट्रेनर। जब हम चाय बनाने के बाद चाय को छानते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रेनर का, एक छलनी का यूज़ करते हैं। बट इट विल स्टिल सी फ्यू लीव्स इन योर ट्री योर टी। लेकिन जब हम चाय पी रहे होते हैं तो लास्ट में हमको दिखता है कि अभी भी उसके अंदर चाय पत्ती के बहुत फाइन डस्ट उसमें पड़ा रहता है। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अब एक स्ट्रेनर की सहायता से उस चाय को हम निकाल लेंगे। एंड यू विल सी दैट द टी लीव्स आर रिटेन्ड इन द स्ट्रेनर। आप क्या देखोगे कि इस छलनी के अंदर चाय की पत्तियाँ रिटेन, मतलब उसके अंदर रह जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। मतलब हम किसी मिक्सचर को मिक्स करके एक किसी टम्बलर के अंदर हम इसको थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो जो एक लेयर होगी या तो वो मिक्स हो नीचे सेटल हो जाएगा, नहीं तो फिर वो क्या है, एक ऊपर एक लेयर बना लेती है। उसको हम थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा करके एक दूसरे बर्तन में उसको ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो ये प्रोसेस कहलाता है, इसको हम सेटल होने के लिए देते हैं सेडिमेंटेशन, और टिल्ट करके उस दूसरे लिक्विड को निकालना कहलाता है डीकंटेशन। फिर एक और मेथड है फिल्ट्रेशन की, जैसे चाय को छानने के लिए हम छलनी का यूज़ करते हैं तो ये कहलाता है फिल्ट्रेशन। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट क्लीन एंड क्लियर वाटर टू ड्रिंक। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी। कभी कभी क्या होता है, हमारे घरों में जो नल का पानी आता है वो नल का पानी भी कैसा होता है, मडी होता है, मतलब उसके अंदर कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। स्पेशली आफ्टर रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी। बारिश के बाद पानी कैसा आता है, बहुत गंदा गंदा पानी आता है, उसमें मिट्टी आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो बारिश के बाद जो पानी कलेक्ट हो रहा है तालाबों में और रिवर के अंदर, उसमें भी कैसे है, वो भी पानी कैसा है, मडी है। कैन वी यूज़ एनी मेथड टू रिमूव इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर मेकिंग इट फिट टू ड्रिंक। क्या हम कोई भी एनी मेथड टू रिमूव इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्यूबल मतलब जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, ऐसी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं क्या, ये हम बाद में पढ़ेंगे।